हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है समन्स और वारंट। हम इसका आज डिफरेंस देखने वाले हैं कि समन्स और वारंट में क्या डिफरेंस होता है। समन, ये दोनों वर्ड आपके लिए नए नहीं होंगे, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा ये मुझे पता है, लेकिन नया क्या है कि इन दोनों के बीच में अब आप डिफरेंस देखेंगे। समन्स जो होते हैं आपने पहले सुना होगा, लेकिन आपने जो सुना होगा वो होता है समन, SUMMONS। ये होता है समन्स, समन नहीं, समन्स। ठीक है, इसे हम जब हिंदी में लिखते हैं तो हम सा मा और ना समन लिखते हैं, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तब इसे समन्स लिखते हैं, इसमें हम एस लगाते हैं। ये सिंगुलर नहीं, प्लूरल होता है, और ये प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि इसकी हमेशा दो कॉपीज जाती हैं, एक कॉपी नहीं जाती है, इसकी दो कॉपी जाती है, और जो वॉरेंट होता है उसकी एक ही कॉपी जाती है, उसकी एक ही कॉपी होती है, लेकिन ये हमेशा दो कॉपी में होता है। इसका एक कॉपी जो होता है वो जिस व्यक्ति के खिलाफ ये समन है, जिस व्यक्ति के लिए है, उसे दे दिया जाता है, और एक जो कॉपी होती है उसके ऊपर सिग्नेचर करा करके उसे कोर्ट में सबमिट करना होता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये कॉपी, इसकी एक कॉपी उस इंसान को मिल चुकी है जिसके लिए वो समन था। अब देखिए, समन वैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब ये वर्ड आता है तो लोग अक्सर डर जाते हैं कि अरे कोर्ट से समन आया है, समन्स आया है मेरे पास। तो जो समन्स होता है वो पहले तो हम देख लेते हैं कि डिफाइन किस सेक्शंस में है, फिर हम इसको आगे बात करेंगे। तो देखिए, CRPC के सेक्शन 2 क्लॉज W के अंदर ये समन डिफाइन है। ठीक है, और जो वॉरेंट है वो 2X में डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज X के अंदर वॉरेंट डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन उसी में दी हुई है। अब हम इसका मतलब देखते हैं। समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र। ठीक है, इसको जब किसी को कोर्ट को जब किसी को बुलाना होता है, या उसके द्वारा कोई उसको पेपर चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तब कोर्ट जो है समन्स भेजता है। और समन्स भेजता क्यों है, इसको तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, समन भेजता क्यों है, लेकिन किस द्वारा भेजता है ये हम देखते हैं। तो ये भेजता है, ये पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जा सकता है, लेकिन जो वारंट होता है वो होता है अधिकार पत्र। किसी को अधिकार दिया जाता है इसमें पुलिस वाले को कि वो किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ वो वारंट है उसे ले करके कोर्ट में हाजिर हो, ये उसकी चीज के लिए होता है। और जो समन्स केसेस होते हैं उसे हम वारंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वारंट केसेस होते हैं उसे हम समन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो समन केसेस होते हैं वो उसमें जो पनिशमेंट होती है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स की होती है, जबकि जो वारंट केसेस होते हैं उसके अंदर जो पनिशमेंट होती है वो 2 ईयर से जितने भी ज्यादा के पनिशमेंट वाले केसेस होते हैं उसे हम वारंट केस कहते हैं। इसीलिए जो समन केसेस होते हैं उसे हम वारंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वारंट केसेस होते हैं उन्हें हम कन्वर्ट समन में नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समन और वारंट में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।